आई हूँ मैं शॉप पे। यहाँ ये काम हो चुका है अभी, और भी है मतलब, पर थोड़ा सा हो चुका है। अपने आप फ्लैश लाइट ऑन होगी अंधेरे में, अपने आप फ्लैश लाइट ऑन होगी अंधेरे में। यहाँ दीवार की ही नहीं अभी तक। करेंगे करेंगे भाई। जिला रामपुर यूपी जी। तुम्हारे वाली लैंग्वेज मान ली बिल्कुल। तो ये बताओ ना, अगर टेढ़ा लगा में तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नीचे ना, जैसे कि नीचे भी एक स्लैब डाल देते उधर, है ना, उधर नीचे नीचे ना सिलेंडर वगैरह आया ना, स्लैब। हाँ चलते हैं नीचे। कब शुरू होंगी टाइम? सीढ़ियों। अच्छा सीढ़ियों से करते हुए जाएंगे। बाथरूम में आज ही लगती है। चलो टाइल्स सुंदर लग रहे हैं, बिछ के पता चलता है टाइल्स सुंदर लग रही है। और किसी का ना कमेंट आ रहा था करीबन 15-20 दिन पहले की बात है, जब मैं यहाँ दिखा रही थी और यहाँ का बता रही थी कि आप यहाँ पे वो चेंजिंग रूम, तो वो यहाँ पे बनेगा। वो मैंने तब भी बोला था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। इधर मैं बोल रही थी वो आ जाएगी, मोटर आ जाएगी, इधर साइड में इन्वर्टर आएगा, बीच बीच में दीवार होगी, सबके लिए गैप होगी, और फिर इधर एक बड़ी दीवार आके इधर चेंजिंग रूम होगा। वो ये हमने इसीलिए लिया है, ये वाला फिर पोर्शन पूरा जो है बंद हो जाएगा। उधर उसका दरवाजा, उधर उसका दरवाजा, और उधर उसका दरवाजा, बीच बीच में हम गैप, या तो एक ही दीवार होगी जो उसकी अलग होगी और इन दोनों चीजों की अलग होगी, तो इस तरीके से। तो अभी तो यहाँ पे नहीं हो रहा काम, ऊपर से होता हुआ आएगा नीचे, फिर यहाँ होगा ऊपर से करते हुए, फिर इनका काम खत्म है, फिर उसके बाद इनका काम खत्म। ये सीढ़ी के लिए पत्थर है ये वाला। विपिन कह रहे हैं जब काम हो रहा है तो ढंग से होगा। मैं इतना महंगे की तरफ नहीं जा रही थी, मेरे को ये तो चलो प्लेन भी छोड़ देंगे या टाइल्स, टाइल्स इससे सस्ती लगती ना। विपिन ने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जब करा रहे हो तो अब ढंग से होंगी चीजें। घर चलते हैं। मैं आ गई थी घर। घर आने के बाद मैंने जो है खाने की तैयारी हुई, या अपने बिजनेस से रिलेटेड काम हुआ, घर के चुटर पुटर काम हुए, वो सब निपटाया। उसको निपटाने के बाद मैं बैठी नहीं, फिर जो है सामने हमारे घर के फंक्शन है, हल्दी है उनके घर में, तो मैंने कहा मैं वहाँ जाऊँगी। पहले मैं सर धोया, फिर मैंने पहले पूछा कि भाई वहाँ कितना टाइम लगेगा, फिर भाभी ने बोला कि अभी है थोड़ा सा टाइम, तो मैंने कहा मेरा सर तो धुल जाएगा 15-20 मिनट में, मतलब 15-20 मिनट भी नहीं लगती सर धोने में, 5 मिनट लगती हैं। लेकिन इसमें ना क्या होता है ना, शैम्पू करने के बाद हेयर मास्क अप्लाई करना होता है, जिसको 5-10 मिनट छोड़ना होता है, तभी वो अच्छे से रहेंगे अगर इनकी केयर करेंगे। तो फिर उसके लिए ना मैं क्या करती हूँ, सर अंदर नहीं धोती, अब मैंने जब से कराया सर मैं बाहर ही धोती हूँ। ये भी अच्छा है कि अब धीरे धीरे गर्मी आ रही है तो बाहर धोने में प्रॉब्लम भी नहीं है, तो ये मैंने बाहर ही धो लिया था सर, थोड़ी देर सुखाया, ड्रायर से सुखाया मैंने इसको, क्योंकि थोड़ा जब मैंने कहा वहाँ से ना पानी टपकते हुए बाल अच्छे नहीं लगेंगे बैठे हुए, तो फिर मैंने ड्रायर से सुखा के फिर मैं बाहर आई कंघी करने के लिए। और थोड़े ना जब ये बाल करा लो थोड़े अजीब से लगते हैं, कंघा मारते हुए बहुत इलझते हैं, बहुत ज़्यादा देखने में लगता है इलझेंगे नहीं, गीले बाल बहुत इलझते हैं। तो यहाँ से मैं आपको अपने बैग्स की साइड से पीछे से बाल दिखा रही थी कि देखो मैं भी देख लूँगी, अभी गीले में उतना पता नहीं चलेगा, पर आप लोगों को मेरा कलर बहुत पसंद आया है, बहुत ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि चलो सबको पसंद आया, और है भी अच्छा, क्योंकि मैंने ज़्यादा गोल्डन या इस तरह का नहीं कराया, वैसा कराया जो लगभग सबको पसंद आता है। तो गुड्डू कहती मम्मी थोड़ा घूम के दिखाओ इधर से उधर से, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है स्टाइल मार के दिखाती हूँ मैं, तो आप लोगों को भी अच्छे लग रहे हैं बाल। तो मुंह तो सही था।
था मेरा, ज़्यादा मुँह भी नहीं धोना चाहिए ना, बस पानी से ऐसे ही धोके और क्या नाम है लिपस्टिक लगा ली, बिंदी लगी हुई थी और अभी जा रहे हैं गर्म पानी पी, ग्रीन टी भी लेते पापा को, गुड्डू कहती मम्मी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, मुझे पढ़ने बैठना है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैंने कहा बस 2 मिनट तू वो कर लियो, मुझे एक तो सूट बता देती हूँ, मैंने कहा खड़े हो गए वो, क्योंकि फिर ये कहती ये क्यों पहना चेंज करो ये क्यों पहना, फटाफट फटाफट मैंने सर धोया है क्योंकि मेरा सर ना संडे का धुला हुआ था तो आज धोना जरूरी था, 3 दिन हो गए थे, उसके बाद फिर अजीब अजीब सा हो जाता है संडे को ट्यूजडे। हाँ ढोल की आवाज़ आ रही है ना, मैं वापस जाऊँ, हमारे घर के सामने ही घर है, नहीं जाएंगे फिर वही वाली बात है हमारे कौन आएगा, तो इसलिए मैंने कहा चलो चलते हैं, आगे को फोन कर पूछ। आ रही हूँ मैं अंदर, तो मैं आ गई थी और आने के बाद जो है मेरा है बहुत सारा काम, चाहे वो रश्मि कलेक्शन को लेके हो, मुझे तो ये फोन ना सच बता रही हूँ मेरे हाथ नहीं बैठ रहा अभी, होता है नहीं होता है कोई सा भी फोन हो जब नया आता है, तो अभी मैं तन्मय के पास बैठ गई हूँ, तो यहाँ पे ना तन में बैठा है टीवी देख रहा है और यहाँ पे ना मैं चेंज कर लिया कपड़े, क्योंकि मुझे ना किचन का भी थोड़ा सा काम है, ये सब्जियाँ वगैरह समेट के रखनी है और साथ ही साथ मुझे जो है पैकिंग का काम भी करना है, तो वो ना मैं नहीं कर सकती, वो मैं खुले डुल्ले कपड़ों में मतलब मैंने गाउन पहन लिया उसमें ही कर सकती हूँ। मेरी हेल्प करो, मटर निकालो रिमोट रख के, इधर आओ इस वाली चेयर पे आओ आप, मटर छीली और मटर छीलने के साथ साथ मैंने गाजर भी कट करके रख दी थी, लौकी काटी, लौकी में देखा तो वो बहुत चरासी सी थी, मतलब मेरे और विपिन के लिए थोड़ी थोड़ी हो जाएगी, एक कटोरी भर के थी, तो यहाँ पे ना मैंने इस कढ़ाई में पहले पनीर की भुर्जी बनाई है जो आपको दिखाई थी, अब उसी कढ़ाई को खाली करके पनीर की भुर्जी खाली करके उसी में मैं जो है अभी लौकी छोंक रही हूँ, तो देखो पनीर की भुर्जी बन चुकी है, थोड़ी सी है मतलब 200-250 ग्राम पनीर होगा जो ये दही के साथ ले आए थे, कई बार ये दही मंगाती हूँ ना तो ये सोचते हैं कि चल थोड़ा सा पनीर लेके चलता हूँ, क्या पता बच्चे बच्चे ये मैं मतलब कि सैंडविच वगैरह हमें पसंद है, पर आज ब्रेड ही नहीं था तो सैंडविच कहाँ से बनता, तो इस वजह से फिर मैंने पनीर की भुर्जी बना ली और अच्छा ही हुआ, हमारे लिए लौकी हो जाएगी उनके लिए पनीर की भुर्जी और ये गाजर जो है कलवल में काम आ जाएगी, थी तो गोभी भी काटने के लिए लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं थक गई थी ऊपर से भी फिर काम नीचे का भी काम, फिर थोड़ी देर बच्चों के पास बैठना उनसे बात करना, बच्चे तो और गुड्डू तो आजकल बैठ ही नहीं पा रही पास में क्योंकि उसके एग्ज़ाम है, सभी बच्चों के इस टाइम एग्ज़ाम होते हैं और उसका आप लोगों को भी पता ही है, एग्ज़ाम टाइम में तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है और अकेले में बैठ के स्टडी करती है, उसके पास कोई जा ही नहीं सकता, मतलब कमरे में होगी हमें दिख रही होगी लेकिन वो बोलती है इधर कम ही आओ, शोर कम करो, बातें कम करो, तो उसका अपना पढ़ने में चल रहा था और अभी अगला दिन हो चुका है, मतलब वो कल के दिन का व्लॉग था बुधवार का, ये आज का है वीरवार का, 2 दिन का ये व्लॉग है, यहाँ पे मैं ऑर्डर्स ले रही हूँ तो चलो थोड़ा सा आप सुनो मैं कैसे करती हूँ ये वाला काम, थोड़ा सा शायद आप लोगों को अच्छा लगे सुन करके।
मैम पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना एड्रेस डाल दीजिए। मैम कंफर्म कौन सा है इसमें से? कंफर्म है मैम आपके? मैम पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना एड्रेस डाल दीजिए और मैम पेमेंट अभी करना होगा 10 से 15 मिनट में। तो मैं बैठी हुई हूँ ऊपर, ऑर्डर ले रही हूँ। ये वाला सूट जो है मैं कल पहन के गई थी वहाँ पे, दिन में मैंने दूसरा पहना हुआ था कल गरम वाला, फिर मैंने वो मशीन में डाल दिया। मैं बल्कि सोच ये रही थी कि ये वाला पहन के जा रही हूँ, वो वाला आके पहन लूंगी, पर पता नहीं क्या हुआ तौलिया डालने गई बाहर, वो मशीन में डाल दिया, फिर मशीन से निकाल के नहीं पहना जाता जबकि ऊपर ही था। फिर ये वाला सूट मैंने आके चेंज कर लिया था, गाउन पहन ली थी क्योंकि मेरे को लगा मैंने वो, फिर मेरे को ध्यान आ रहा वो तो मशीन में पड़ा है। अब मैंने फिर आज मेरे को लाइव करना था, लाइव की वजह से मैंने ये सूट कल, मतलब मैंने कहा कल पहन लूंगी लाइव में, क्योंकि अच्छे अच्छे सूट चाहिए देखो, अब क्या बताऊं। तो फिर मैंने जो है ये वाला पहना, फिर मैं यही पहन रखा है। मेरे हाथ बहुत गंदे हो रहे हैं इस टाइम, बहुत ज्यादा है, क्योंकि ना जैसे यहाँ थोड़ा बहुत डस्ट में कितना, मैं रोज तो नहीं होता यहाँ पे क्लीन, जैसे कल यहाँ पे पैकिंग होगी तो परसों यहाँ क्लीनिंग होगी, फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद होगी, डेली नहीं हो पाती है। इतना गंदा भी नहीं है लेकिन देखो हल्की फुल्की धूल जम जाती है, और यहाँ मैंने खुजा लिया और यहाँ दाना सा हो गया, तो मैंने कहा चलो बात करती हूँ। और आप लोगों को इसकी क्लियरिटी पसंद आई क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं, रिप्लाई करूंगी आराम से बैठ के, पहले मैं ये वाला काम खत्म कर लूँ अपना, ये वाला जो मेरा काम चल रहा हुआ है। किसी ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी है करके, मेरा नाम नहीं है दी, मेरा नाम नहीं है, मैं संगरूर पंजाब से हूँ। मैम पंजाब का कुरियर चार्ज आपका एक सूट का 80 लगेगा, 2 का 100, 3 का 120, आपको चलता है तो बता दीजिएगा, पेमेंट के लिए नंबर दे देंगे और पेमेंट मैम 10 से 15 मिनट में करना होगा, सारी चीजें बता दी गई है, कंफर्म हो तभी मुझे कंफर्म कीजिएगा। तो देखो कैसे लाल लाल हो रहा है मेरा मुंह, या इसी में ही लग रहा है या हो रहा है, देखो मेरी ट्रेडिंग नहीं बनी हुई ना, बनेगी अब अगले महीने बनवाएंगे अब नहीं। और मेरा कलर भी आप लोगों को काफी पसंद आया है, मेरा कलर भी आप लोगों को काफ़ी पसंद आया है। काफ़ी सारे लोग व्हाट्सअप पे पूछ रहे हैं कितने का कराया है, कितने का। देखो अब मैं बताती हूँ आपको पैसे, मुझे ट्राईपोर्ड पे लगाना पड़ेगा, मेरा हाथ दुख रहा है, ये रहा ट्राईपोर्ड। एक एक खर्चा नहीं हो रहा मेरा, एक खर्चे के बाद ना मेरा दूसरा खर्चा तुरंत खड़ा है। ये वाला जो फोन है नए वाला, ये किसी भी ट्राईपोर्ड पर रुक नहीं रहा है, भारी है क्या है, मेरे ट्राईपोर्ड तो पहले ही गिर गिर के भगवान के सहारे हैं तो ना। तो ये मेरे को डर लगता है, अच्छा हम कलर की बात कर रहे थे तो मुझे डर लगता है यार ये गिर ना जाए। यार मुझे ना सबसे ज्यादा इन बालों का होता था, ये बाल मेरे ठीक हो गए हैं, ये आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद थे बट मेरे को सच में मुझे उतने पसंद नहीं थे। हाँ तो कलर मेरा आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो देखो इसमें क्या हुआ था कि पहले उन्होंने ये जो हाईलाइट वाले आपको दिख रहे हैं, जो हाईलाइट किए गए हैं वो हुए थे, उन्होंने कुछ बोला था कि जैसे मतलब एक जो फॉयल लगता है, मतलब ये फॉयल लगा था, जैसे ये एक फॉयल, ये दो फॉयल, कि ये आपके बालों में 20 लगेंगे और वो शायद 150 से उन्होंने कुछ बताया था, ये मतलब 150 का एक,
20 फोल्डे थे मेरे सर में लगेंगे। मैंने कहा कम कर दो, मुझे नहीं कराने, क्योंकि टोटल जो कलर था, जो बेस बनना था पूरे बालों का, ब्राउन जो मैंने चूज किया, जो कि आप लोगों को मेरी पसंद बहुत पसंद आई, तो वो मेरा हुआ था 2500 का। ठीक है, 2500 का वो था। अब 150 से फॉइल का उन्होंने बोला था, जो कि मैंने बोल दिया नहीं भैया मेरे को नहीं कराने, मेरे को मतलब 100 मतलब मेरे को इतनी सारी मत करो, या फिर करो ही मत, मेरा एक ही कर दो, बहुत महंगा हो जाएगा, 4500 का। फिर थोड़ा वो जानते भी हैं, तो थोड़ा सा उन्होंने कम कर दिया था, 4200। अभी वो बोल रहे हैं कि आपके 200-300 है हमारे पास, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं 3700 पे बोल रही थी, तो उन्होंने बोला आप वो किसी काम में लगवा लेना अपने पैसे, क्लीन अप वगैरह में। तो ना इस तरीके से है, मैंने आपको बता दिया है, आपके सिटी का, आपकी जगह का अलग हो सकता है। अब बात आती है कि ये परमानेंट है, नहीं परमानेंट ना, तो आपकी स्मूथनिंग होती है, रिबॉन्डिंग होती है, जो भी आप कराते हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट वो है जो भगवान ने आपको दे के भेजा है, बिना किसी पैसे के, कुछ नहीं लिया भगवान ने उसका, और आपको सब कुछ दे के भेजा है, आंखें सब कुछ। जिनके पास नहीं है उनसे इन चीजों, इनकी कीमत का पता करो, जिन्हें मिल गई ये चीजें। यार मुड रहे हैं ना मेरे को, ये आप बोलोगे हाथ, हाँ कुछ कमेंट था, आप हाथ मत लगाओ बार बार, मैं हाथ नहीं लगा रही, मैं अभी देख रही हूँ तो लगा रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं लग रहा हाथ लगाने का, नाक लाल हुई पड़ी है मेरी। जब मेरे को गर्मी गर्मी सी कुछ फील देने लगती है, ठंड में भी, तो मेरी नाक लाल होने लगती है, विपिन तोता बोलते हैं मुझे। तो जो है मैंने आपको क्लियर कर दिया ये सारी चीजें जो अभी आप मेरे से पूछ रहे थे, परमानेंट नहीं है। होगा क्या कि जो जड़ में से बाल निकलेंगे वो वाइट होने शुरू हो जाएंगे, इसका टचअप कराना होगा, क्योंकि मुझे कराना पड़ेगा, मैं वैसे ना कराती पर मुझे अभी कराना पड़ेगा, अभी मतलब मार्च में मुझे कराना होगा, क्योंकि मार्च की थर्ड वीक में मैं कराऊंगी, अगर उस टाइम तक निकल गए तो, या फिर फोर्थ वीक में, क्योंकि मेरा ओपनिंग का काम है, तो उसके लिए ही मैं कर रही हूँ भाई, अच्छा अच्छा दिखना चाहिए, उसके बाद फिर ये सफ़ेद हों जैसे भी हों। मेहंदी मैं अभी अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि मैंने स्मूथनिंग कराई है, किसी का ये भी था कि कैरेटिन कराया, स्मूथनिंग कराई है, रिबॉन्डिंग कराई है, तो मैंने स्मूथनिंग कराई है जो कि परमानेंट नहीं होती है, और बहुत इनका ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मेरे बाल अक्सर आपको खुले ही मिलेंगे, मैं रबड़ नहीं डाल रही हूँ, अगर आप रबड़ डालोगे वो बीच में यहाँ पे बन जाता है, हालांकि ये जो मुड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं क्लेचर ऐसे करके डाल लेती हूँ, तो इस वजह से ये शायद हो रही हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ अगर किचन से बाहर हूँ तो मैं खोल लेती हूँ। देखो पैसे लगाए हैं, 4000 उसमें लगे थे, 4000 बाद में लगे थे, 8000, और मेरे को पता था इतना इतना लगेगा क्योंकि मेरा पहले भी लग चुके हैं इतने इतने, तो मैंने विपिन से बोल दिया था मुझे ना पार्लर के लिए बालों के लिए 10000 रुपये दे दो, तो वो पूरे लग 2000 बचे, मैंने कहा वो मैं थोड़ा क्लीन अप वगैरह करा लूंगी। क्लीन अप नहीं कराया, सिर्फ मैंने चेहरे पे वैक्स कराई थी, आप लोगों को याद होगा, क्योंकि मेरे बाल बहुत हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा उस टाइम कमेंट्स आए थे। देखो भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप भी हैं, मैं कैसे समझाऊँ आपको, जैसे किसी बहुत सारे कमेंट्स आए थे आप ऐसे ही अच्छे लगते हो, क्यों करा रहे हो ये वो, भाई मुझे कराना था, मैंने इसलिए करा लिया, मेरा मन था, और मुझे इस टाइम मन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें देख के चलना था। ये भी मेरा जो है, मुझे मैंने नेक्स्ट मंथ के लिए ही कराया है, लेकिन क्या है ना, अगर मैं अभी फुल ग्रोथ रखती नेक्स्ट मंथ कराती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, अब नेक्स्ट मंथ ही कम आएंगे, उसके बाद जो लेज़र का रहता है वो मैं कराऊंगी, लेकिन वो फुल ग्रोथ होने पे कराया जाता है, तो वो मेरा मई जून में होगा, और वो मैं शायद देहरादून से कराऊं, और उसमें सिटिंग्स लगती हैं आपकी 3-4, मैं यहाँ से भी सोच रही हूँ डॉक्टर राणा से मिलूंगी मैं उनसे, एक बार मैं मिल चुकी हूँ इस बारे में उनसे, पर मेरे को थोड़ा ये हो रहा था यार कराऊं ना कराऊं, चेहरे का मामला है ये वो, डर लगता है, वो कई बार कमेंट आता है ये चीज़ें ठीक नहीं होती, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स ये भी आए थे कि हम लोग वैक्स कराते हैं, किसी ने ये भी लिखा था कि मैं 15 पता नहीं 10 सालों से करा रही हूँ, मैंने भी कराई है, लेकिन मेरा ये है कि मेरा वो नहीं रहता कि मेरे को हर महीने कराना है, मेरा क्या रहता है कि साल में एक आधी बार मैंने करा ली, और हमेशा मैंने किसी ना किसी उससे कराई है, जैसे एक बार मैंने करवा चौथ पे कराई थी, और देखो ये कराने के बाद ना मैंने ब्लीच भी नहीं की, टैनिंग निकल जाती है आपके हेयर की वजह से ही, तो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक, अब देखो ये बाल है तो ये ब्लैक ब्लैक लग रहा है ना, तो जैसे यहाँ पे इतने सारे हेयर थे ये ब्लैक ब्लैक लगता था मेरा बहुत ज्यादा, अभी नहीं लग रहा है, देखो अभी साफ लग रहा है,
कोई लाइट नहीं खुली हुई है, सीधी बाहर की रोशनी है जो भी है। और किसी ने बोला था आपकी ना कट लगा हुआ है इसमें आईब्रो में, तो मैंने तो आईब्रो कराई ही नहीं थी। और सारे सवाल हो चुके हैं, गिफ्ट का है, क्या गिफ्ट मिला। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि वो सस्पेंस बना रहे हो, बता दो। तो गिफ्ट मुझे क्या मिला है विपिन से, गोल्ड और सिल्वर का ही मिला है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ, क्योंकि आज मेरा बहुत ज़्यादा बिजी दिन जा रहा है, तो मैं आज आपको नहीं दिखा पाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ। मुझे पता है आप लोगों को बहुत इंतज़ार होगा, और ये मेरी गलत बात भी है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लग पा रहा है। जो मुझे दोनों जगह फॉलो करते हैं, रश्मि कलेक्शन पे भी और यहाँ पर भी देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा पे भी, उनको पता है कि इस टाइम मेरा क्या, पता है मेरी कमर इस टाइम ऐसे हो रही है ऐसे, लेकिन काम करना पड़ता है। कई बार कमेंट आ जाता है इतना क्या कमाने की जरूरत है, ये वो। मैं थकती इसलिए भी ज्यादा हूं क्योंकि मुझे ये काम भी देखना है। मैं सुबह उठ के बच्चों का टिफिन बना के उसके बाद हमारी चाय होती है। अगर मैं आपको सुबह का सारा रूटीन बताती हूँ, चलो तो बच्चों को खाना वाना दिया, 8:30 तक वो निकल जाते हैं अपने लंच बॉक्स विपिन छोड़ने, 9-9 तक विपिन आ जाते हैं क्योंकि वो दूध लेते हुए आते हैं उधर से, तो दूध लेकर आते हैं, चाय वही बनाते हैं। मेरा बहुत कम होता है कि मैं बनाऊं, मैं तब तक अपना पानी वानी पीने का, फोन देखने का, ये सब करती हूँ, क्योंकि आजकल ना मैंने सुबह उठने के बाद फोन देखना बंद कर रखा है। उस टाइम मैं थोड़ा सा बैठती हूँ, खुद से कुछ बातें करती हूँ, कुछ मैं लिखती हूँ, वो करती हूँ मैं उस टाइम पे। फोन में जब चाय पी रही होती हूँ या फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब देखती हूँ, ठीक है। फिर उनके जाने के मतलब फिर विपिन आए, चाय वाय पी, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा एडिटिंग का काम करती हूँ जो रात में नहीं करती हूँ, मतलब रात में जो आधा बच जाता है। उसके बाद एडिटिंग खत्म करने के बाद समेटने का काम मैं इस बीच कर चुकी होती हूँ, थोड़ी हेल्प मेरी विपिन भी करते हैं जिस दिन मेरे ऊपर काम ज्यादा होता है। फिर वो सब करने के बाद मैं ऊपर का काम देखती हूँ कि भाई मेरे को लाइव करना है या पैकिंग ज्यादा है पैकिंग करनी है या स्लिप देनी है या क्या काम है, माल आया है, माल खोलना है, मार्किंग करनी है, चेक करना है, वो सब करना रहता है। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में टेंशन चल रही होती है, दोपहर का खाना बनाना है। तो आज का रूटीन बता रही हूँ मैं ताजा ताजा। तो फिर क्या हुआ, एडिटिंग का काम खत्म किया चाय वाही के बाद, फिर उसके बाद नहाना वहाना किया, उसके बाद समेटना, फिर फटाफट ऊपर आई, फिर मैं लाइव गई। मेरा लाइव 1.5 घंटा चला, यहाँ पे सब फैला हुआ था लाइव में, जितना भी मैंने दिखाया ये मैं भी, आप वीडियो कल देखेंगे और ये मैं आज की बात बता रही हूँ। वो सब समेटना, तय करना, फिर फटाफट भाग के नीचे जाना, फिर खाना बनाना, सब्जी छौंकना, सब्जी छौंकने के साथ साथ फोन चेक कर रही हूँ, दूसरे फोन में और भी चीजें चल रही होती है मेरे बिजनेस से रिलेटेड, वो सब करना। उसके बाद मैं 2 मिनट आकर बैठी ही थी कि इतने में बच्चे आ गए। बच्चों के आते ही मैं एकदम नहीं उठती हूँ क्योंकि वो भी ड्रेस चेंज करते हैं और हाथ वाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं। फिर उसके बाद रोटी बनाई, 3:30 बजे मेरे ऑर्डर शुरू हो गए थे, तो 3:30 मैं ऊपर नहीं आई थी, मैंने टाइमिंग दी थी 3:30, मैं आई थी 3:40 पे और तब से मैं ऊपर ही हूँ। 5:30 बजने वाले हैं, यहाँ खड़े होके काम कर रही हूँ जब से। तो ये मेरा इस तरीके से रहता है। अगर मेरा फुल व्लॉग कोई बनाने वाला हो ना दूसरा बंदा, तो आप ये देखेंगे कि मैं इधर कुछ कर रही हूँ, उधर कुछ कर रही हूँ, फिर ऊपर आ रही हूँ, फिर नीचे जा रही हूँ, इस तरीके से चलता रहता है। तन्मय ट्यूशन गया है, गुड्डू के एग्जाम है, वो नीचे बैठ के पढ़ रही है। आई थी वो, पानी वानी पूछा उसने मेरे से, फिर मैंने कहा चाय पीनी है मेरे को, फिर वो नीचे पढ़ रही है इस टाइम उसका, क्योंकि एग्जाम के टाइम है। तन्मय भी आएगा, तन्मय भी थोड़ी देर टीवी देखेगा, फिर वो भी पढ़ेगा, फिर शाम के खाने की तैयारी, दिमाग में ये चलता रहता है। तो जैसे कई बार लोग बोल देते हैं आप इतना क्यों, भाई मैं इस वजह से भी ज्यादा बिजी हूँ। वो तो शुक्र है कि नेहा है, नेहा को मैंने रखा होता है कि वो काम कर ले, पढ़ना तो मैं बता रही हूँ, फिर तो मैं मर ही जाऊं काम कर करके फिर, क्योंकि काम भी आपको उतना करना चाहिए जितना आप कर सकते हो। बताते बताते ही थक गई, आप लोग सुनते सुनते थक गए, आप लोग बोल रहे होंगे हाँ भाई हाँ हमें पता है, हमें पता है हमारी रश्मि मेहनती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज में मेरी जो बोलते हैं ना कमर थपथपाना, मुझे बोलना, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें प्राउड फील होता है रश्मि तुम पे, बहुत अच्छा लगता है इस तरह के कॉमेंट्स पढ़ना। बहुत लंबा ये वीडियो हो चुका होगा क्योंकि ये कल से सुबह से शुरू किया है। आप देखो मैं खड़ी हो रही हूँ ना, वहाँ पे काम करूँगी तो मैं क्लेचर लगा लूँगी, तो अभी मेरे को दीजिए आप इजाज़त। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।